हमारी क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। हमने बेटा चुनाव राजनीति पढ़ा, तो चुनाव की हमें क्यों जरूरत होती है? एक ऐसी समझ लीजिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से छोटे छोटे प्रश्न होते हैं बेटा, तो हमें चुनाव की जरूरत क्यों होती है? चुनाव की जरूरत हमें इसलिए होती है कि हम अपने द्वारा, मतलब जो हम अपने शासक खुद चुन सकें। ज़्यादातर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो चुनाव की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? सबसे पहला प्रश्न यही है बेटा। तो हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, चुनाव। हमें इसलिए हमें चुनाव की जरूरत पड़ती है कि हम चुन लें कि हमें कौन सा, मतलब अपना प्रतिनिधित्व लोग खुद चुनते हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वह जनता के द्वारा ही होती है। फिर दूसरा प्रश्न है बेटा कि चुनाव क्या है, तो जिसमें लोग एक नियमित अंतराल के बाद प्रतिनिधि को चुन सकें, इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सके, इसी व्यवस्था का नाम चुनाव होता है। तब चुनाव क्या होता है? जिसमें लोग एक नियमित अंतराल से प्रतिनिधियों को चुन सके और अपनी इच्छा से उन्हें, मतलब व्यवस्था का नाम क्या होता है, बदल, मतलब जो पांच चुनाव कब होते हैं बेटा, 5 वर्ष के बाद। तो एक नियमित अंतराल होता है, तो व्यक्ति चाहता है कि वह अपना प्रतिनिधि स्वयं चुने, तो अपनी इच्छा से उन्हें बदल भी देते हैं, इसी व्यवस्था का नाम होता है चुनाव। फिर बेटा चुनाव में मतदान किस प्रकार से करते हैं? तो सरकार बनाने के लिए बड़े बड़े फैसले करने वाले चुनावी, मतलब जो बड़े बड़े फैसले होते हैं, जो वे अपने, मतलब चुनाव मतदान के लिए वे सरकार बनाने के लिए बड़े फैसले का चुनाव करते हैं, कानून बनाने वालों को चुनाव कर सकते हैं, सरकार तथा उनके द्वारा बनने वाले कानून का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का भी क्या कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। तो वे सरकार को बनाने में सहायक होते हैं, वे अपने ही लिए कानून बनाने के लिए चुनाव कर सकते हैं, और तीसरा वे सरकार तथा उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को दिशा निर्देश करने वाले, मतलब जो होते हैं, उनका भी चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद है लोकतंत्र चुनाव की न्यूनतम शर्तें क्या होती हैं, मतलब जो लोकतंत्र है उसमें चुनाव की न्यूनतम जो शर्तें होती हैं वो क्या होती हैं? तो पहला है बेटा, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा, यानी हर किसी को मताधिकार प्राप्त हो, हर किसी को मताधिकार मतलब मत देने का समान अधिकार हो। दूसरा है चुनाव में कुछ विकल्प उपलब्ध, पार्टियां उम्मीदवार चुनाव में उतराने की पूरी आज़ादी और मतदाता के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा, चुनाव का अक्सर नियमित अंतराल उपलब्ध रहे, तो जो चुनाव होते हैं उसमें अक्सर नियमित अंतराल उपलब्ध हो, नए चुनाव में कुछ वर्षों के लिए, मतलब जो नए चुनाव होते हैं कुछ वर्षों के लिए जरूर कराए जाने चाहिए, लोग जिन्हें चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, मतलब जो लोग होते हैं। चौथा होता है, मतलब लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। चुनाव कैसे होने चाहिए? निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए। जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं? निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए। लोग समुच्चय अपनी इच्छा से अपने उम्मीदवार का चुनाव कर सकते हैं। फिर उसके बाद है बेटा, लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? ये बेटा एक नंबर का प्रश्न भी हो सकता है। तो चुनाव, मतलब लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव कितने वर्षों के लिए होते हैं? तो लोकसभा का, और ये कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए होते हैं जो चुनाव होते हैं। आम चुनाव किसे कहते हैं? सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन, मतलब जो सभी चुनाव क्षेत्र होते हैं वहां पर जो चुनाव होते हैं, आम चुनाव आप किसे, आम चुनाव मतलब सभी के लिए आम, तो सभी चुनाव क्षेत्र में एक ही दिन में, एक छोटे छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे क्या कहते हैं, आम चुनाव कहते हैं। तो आपका परीक्षा की दृष्टि से बेटा ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, एक या दो नंबर के। तो लोकतंत्र चुनाव की शर्तें क्या होती हैं, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों में होता है, और आम चुनाव किसे कहते हैं, सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन अथवा एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन होते हैं, इसे क्या कहते हैं, आम चुनाव।
उपचुनाव किसे कहते हैं? कई बार क्या होता है, क्षेत्र मतलब जो क्षेत्र होता है चुनाव में, जो चुनाव के क्षेत्र में जो किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए या वह बीच में इस्तीफा दे दे, वह मतलब वो हो जाए मतलब उस क्षेत्र का मतलब जो पद खाली हो जाए, इस्तीफा दे दे या मतलब खाली हुआ होता है, तो उस क्षेत्र में फिर से चुनाव होते हैं, उसे कहते हैं उपचुनाव। तो उपचुनाव कैसे कहते हैं? कई बार एक क्षेत्र में चुनाव के किसी सदस्य की मृत्यु अथवा इस्तीफे से खाली होता है तो उसे क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं। आठवां है निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? चुनाव के उद्देश्य से पूरे देश में मतलब जो चुनाव का उद्देश्य होता है पूरे देश में अनेक क्षेत्रों में बांट लिया जाता है, उन्हें निर्वाचक क्षेत्र कहते हैं। निर्वाचक क्षेत्र किसे कहते हैं? चुनाव के उद्देश्य से पूरे देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया जाता है, उन्हें निर्वाचक क्षेत्र कहते हैं। फिर लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांट लिया गया है? तो जितने निर्वाचन क्षेत्र हैं उनका कितने मतलब जो लोकसभा के चुनाव निर्वाचन क्षेत्र कितने भागों में बांटा गया है? 543 निर्वाचक क्षेत्रों में बांटा गया है। फिर संसद सदस्य किसे कहते हैं? प्रत्येक क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं, मतलब जो प्रत्येक क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उन्हें प्रतिनिधियों को सांसद सदन कहते हैं। फिर उसके बाद है लोकतांत्रिक चुनाव की एक महत्वपूर्ण विशेषता लिखो, मतलब लोकतांत्रिक जो चुनाव होता है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता हर वोट का बराबर मूल्य। तो उसका होता है हर वोट का, लोकतांत्रिक चुनाव में एक महत्वपूर्ण विशेषता होता है हर वोट का एक बराबर मूल्य। फिर विधायक किसे कहते हैं? विधानसभा सीट के लिए जो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, मतलब जो विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि होता है उसे क्या कहते हैं? विधानसभा, जो विधानसभा जैसे विधानसभा चार उसमें बटपटी होती है, पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र। तो जिस क्षेत्र का मतलब विधानसभा की सीट से निर्वाचित प्रतिनिधि को विधायक कहते हैं। तो ये बेटा हो गया आपका उपचुनाव किसे कहते हैं, निर्वाचक क्षेत्र किसे कहते हैं, और लोकसभा के निर्वाचक क्षेत्रों कितने में बांटा गया है। तो 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटे गया है, प्रत्येक क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों को संसद मतलब सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक महत्वपूर्ण विशेषता लिखो, हर वोट का बराबर मूल्य होता है। विधायक किसे कहते हैं? तो विधायक निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। फिर है निर्वाचन क्षेत्र को सीट क्यों कहा जाता है, मतलब जो निर्वाचन क्षेत्रों को सीट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर क्षेत्र में सांसद विधानसभा की एक सीट प्रतिनिधित्व करता है, मतलब हर क्षेत्र में एक सांसद जो रहता है वह विधानसभा की एक सीट का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। उसे क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्रों को सीट कहा जाता है। लोकसभा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कितनी सीटें आरक्षित हैं? मतलब लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए 79 तथा जनजाति के लिए 41 सीटें आरक्षित हैं। मतलब लोकसभा में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें क्या है? आरक्षित हैं। तो उनके आरक्षण के हिसाब से जो अनुसूचित जाति के लिए 79 और अनुसूचित जनजाति के लिए 41 सीटें क्या हैं? आरक्षित हैं। फिर इसके बाद है मतदान सूची या वोटर लिस्ट किसे कहते हैं? मतलब जो मतदान सूची और वोटर लिस्ट, हिंदी में उसको मतदान सूची कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं वोटर लिस्ट। तो लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों को सूची चुनाव में काफ़ी पहले बना ली जाती है, मतलब जो लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची चुनाव में काफ़ी पहले मतलब बना ली जाती है, हर किसी को दे दी जाती है, इसे अधिकार रूप से मतदान सूची कहते हैं। मतलब जो 18 वर्ष के होते हैं, जो जब हो जाते हैं उनकी योग्यता, जो मतदान करने की योग्यता रखते हैं उनका चुनाव सूची में क्या होता है? नाम मतलब नाम दर्ज हो जाता है हर किसी को, मतलब मतदान सूची पहले हर किसी को क्या की जाती है? दी जाती है। इसे आधिकारिक रूप से मतदान सूची कहते हैं। आम बोले
बेटा ये आप एक ये हो गया आपके। अब आगे का प्रश्न ये है बेटा कि क्या कारण है कि हर चुनाव में मतदान सूची को सुधारा जाता है, मतलब जो सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल हो, मतलब हर 5 साल में चुनाव होते हैं तो मतदाता सूची भी क्या होती है, रिन्यू होती रहती है बेटा। तो जो जो बच्चे 18 साल के हो जाते हैं, जो नहीं होते हैं उनके नाम हटते हैं, तो क्या कारण है कि चुनाव के पहले मतदाता सूची में सुधार होता है? तो सक्षम मतदाताओं का नाम सूची में शामिल हो व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, मतलब सरकार का काम होता है कि मतदाता सूची में मतलब मतदाताओं के नाम ऐड हों। हर अगले चुनाव के लोग मतदाता बनने की उम्र में आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को क्या किया जाता है, सुधारा जाता है। तो अगले चुनाव के लिए मतदाता सूची बनाने के लिए मतलब बनने से मतलब मान लीजिए अभी चुनाव हुए तो कोई भी मतलब जो बच्चा है वो 17 साल का है, लेकिन वो अगले चुनाव में 5 साल बाद वो 22 साल का हो जाएगा, है ना। तो उसको चुनाव मतदाता सूची में क्या करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा। इसलिए को बता दूं मैं कि हर मतलब सूची मतलब मतदाता सूची में उसका नाम शामिल करना पड़ेगा। इस व्यवस्था करना किसका काम है, सरकार की जिम्मेदारी है, और मतदाता इसे हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का क्या करते हैं, सुधारा जाता है। वोट मांगने का मतलब वोट डालने का अधिकार के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होती है, 18 वर्ष होती है। कितनी होती है बेटा, 18 वर्ष होती है। और उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष होनी चाहिए। मतलब आप किसी भी चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़ा होना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। फिर टिकट किसे कहते हैं, मतलब आपको पार्टी में चुनाव लड़ना है, आपको किस पार्टी से चुनाव लड़ना है तो उस पार्टी के द्वारा आपको मनोनय व सामान्य भाषा में आपको मतलब मनोनय करेंगे, टिकट देंगे, अपना पार्टी का चिन्ह देंगे, है ना। तब आपको क्या प्राप्त होगी, टिकट मिल कहते हैं, मतलब पार्टी के मनोनयन को सामान्य भाषा में टिकट कहते हैं। मतलब जो आपको चुनाव लड़ने के लिए जो टिकट प्राप्त होती है ना, तो वो पार्टी के द्वारा आपको मनोनयन किया जाता है कि मेरी पार्टी से भाई इस ये बंदा चुनाव लड़ेगा, है ना, इसको टिकट मिली है तो इसको मतलब हमने मनोनीत किया है, तो सामान्य भाषा में उसे क्या कहते हैं, टिकट कहते हैं। फिर उसके बाद ये प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने से पहले किन किन का बातों का मतलब आपको किन किन मतलब जो प्रत्येक उम्मीदवार होता है, जो चुनाव लड़ने वाला होता है, उसको चुनाव में खड़े होने से पहले निम्नलिखित चीज़ों का क्या करना पड़ता है, विवरण देना पड़ता है। पहला, उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे आपराधिक कोई मामले ना हो, मतलब जो उम्मीदवार खड़ा है उसके खिलाफ कोई मतलब कोई गंभीर मामला ना हो। दूसरा, उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, मतलब जो उम्मीदवार होता है उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। फिर उम्मीदवार उसके परिवार के सदस्यों और संपत्तियों की देनदारियाँ, मतलब जो उम्मीदवार है उसके परिवार के सदस्यों की संपत्तियां, देनदारियां, मतलब उसका कितना क्या है, ये सब की जानकारी भी मतलब उसको देनी होती है। कब वह जब चुनाव लड़ने लगता है, चुनाव के रूप में मतलब उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है, तो उसको इन सब बातों की क्या करनी पड़ती है, जानकारी देना पड़ता है। बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से ये आपके छोटे छोटे 2 नंबर के प्रश्न हैं, आपको उनको अच्छे से याद करना है, कॉपी में लिखना है। तो बच्चों, अभी मैंने एक बार और बताया था 9th क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, अब परीक्षा में 30 नंबर के 1 या 2 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। आपके 5 नंबर और 6 नंबर के प्रश्नों को अब परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, और आपको इसी अनुसार आपको ये छोटे छोटे प्रश्नों को याद करना है और लिखना है। धन्यवाद बच्चों।